नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया, 20 जून की दरमियानी रात चोरों ने पंडोखर थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया आलम में एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोर यहां से 6 लाख रुपए की जेवरात एवं 17,000 रुपए चोरी कर ले गए थे। पंडोखर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर माल सहित दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि 20 जून की रात खिरिया आलम निवासी आशीष कौरव परिवार सहित शादी में गया था, तभी चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अरविंद पुत्र साधु सिंह कौरव एवं मोनू पुत्र राजेंद्र झा निवासी खिरिया आलम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो सोने के हार, एक मंगलसूत्र, सोने की जंजीर, 4 सोने की अंगूठी, 4 सोने की चूड़ियां, 2 जोड़ी चांदी के पायल, 1 जोड़ी सोने के ब्रजभाला, 1 जोड़ी कान के भाले, चांदी की बिछिया, 2 मोबाइल फोन एवं नकदी रुपए जब्त कर हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी अरविंद ने बताया कि वह आशीष कौरव के परिवार का भाई लगता है, जिसका उनके घर में अंदर तक आना जाना रहता है। इसी बात का लाभ लेकर अरविंद ने अपने साथी मोनू के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके तत्काल बाद थाना प्रभारी पंडोखर ने काफ़ी मेहनत करते हुए अपने मुखबिर सिस्टम को एक्टिवेट किया और उन्हें जानकारी मिली कि जो दो संदिग्ध हैं जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं जो भिंड में हैं, तब वो गए वहाँ पे, उन लोगों को अरेस्ट किया। उनका नाम अरविंद कौरव और मोनू झा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टोटल वस्तु का जो था पूरा का पूरा 6.5 लाख रुपये एक जेवर नकदी और दोनों मोबाइल जो चोरों द्वारा चुराए गए थे पूरा रिकवर किया गया। नकब देने की घटना हमेशा एक चैलेंजिंग रहती है, क्योंकि किसी के घर में घुस के अगर चोरी होती है तो असुरक्षा का भाव लोगों में आता है। और जब वो रिकवरी होती है, उससे पहले भी बड़ौली में शादी में एक काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई थी और इसमें 100% रिकवरी हुई है। तो मैं राजेंद्र और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और साजी साहब के माध्यम से हम उनका विशिष्ट बदल दे करके सम्मान करें। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.